भी मुझे देख रहे हैं, सब मेरे लिए प्रे करो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। मैं अपने मम्मा पापा के साथ अभी और टाइम स्पेंड करना चाहती हूं। अभी मुझे पूरी लाइफ अपने मम्मा पापा के साथ रहना है। मुझे नहीं पता था कि जो मैं पहला व्लॉग ही बनाऊंगी जहां मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगी वो ऐसा होगा। आई नीड योर सपोर्ट, इस बच्ची को इतना प्यार दो कि पूरा कंट्री इसके लिए प्रे कर रहे हैं। मेरी वाली, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बच्चे की ये हालत हो जाएगी। ये इतनी हस्ती खेलती हुई बच्ची हमारे पास आई थी। और ये है हमारा दूसरा बच्चा, नेल रॉटवाइलर। ये हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नमितोलॉजी। और मैंने आज एक नया कैमरा खरीदा, सोनी ZV-1। मैंने ये कैमरा खरीदा था ये सोच के खरीदा था कि मैं आपके साथ अपनी बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स, अच्छी लाइफ, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, ये सब चीज़ें शेयर करूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाइफ खुशियाँ देती है तो खुशियाँ के साथ साथ दुख भी देती है। और मैं आज से 2-4 दिन पहले एक रॉटवाइलर पपी, फीमेल रॉटवाइलर पपी लेकर आई थी अपने घर पे, और उसका नाम हमने लेडी ऑली रखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमिजिएटली आफ्टर 2-3 डेज आने के बाद घर पे शी कॉट पावो वायरस। और हमें इस वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऑल्दो हमारे पास ऑलरेडी घर में एक मेल रॉटवाइलर है और ही इज़ ऑलरेडी 1 ईयर ओल्ड। लेकिन हमें दूर दूर तक नहीं पता था कि ये हादसा हो जाएगा। हालांकि हम बच्चे को कहीं लेकर भी नहीं गए, ना हमने उसको गली में घुमाया, ना बाहर लेके गए। तो इंटेंशन सारा ये था कि भारत की जनता को मैं एंटरटेन करूँगी अपने रॉटवाइलर्स से, एक उनके जर्नी, एक्सपीरियंस और अच्छे अच्छे पल दिखाऊंगी। लेकिन पता नहीं था कि ये हादसा हो जाएगा। और जो ब्लॉग बनेगा पहला रॉटवाइलर्स के ऊपर या अपने पपीज के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, वो इस तरह से आएगा। तो मंजर कुछ ऐसा है कि बच्ची की हालत बहुत नाजुक है। बच्ची के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको उसकी हालत दिखा दूं। बेसिकली ये उसको पावो वायरस के बाद ऐसे मोशंस लगे हैं जिसमें ब्लड ही ब्लड आ रहा है। और मैं रूम में जहां भी देख रही हूँ बच्चे का सिर्फ ब्लड दिख रहा है। और यहाँ मेरे हस्बैंड दिन रात हम इस बच्चे की केयर कर रहे हैं। 2 दिन से ये डिटेक्ट हुआ है और ये उसके हर जगह ब्लड स्पॉट्स, यूरिन भी बहुत ज्यादा डार्क आ रहा है। तो बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और जिन जिन लोगों से भी हमने बात की, हमें सब लोगों ने ये बोला है कि पावो वायरस बहुत डेडली होता है, स्पेशली रॉट वायरस के लिए, ब्लैक फर वाले वायरस, सॉरी डॉग्स के लिए। यहाँ मेरी बच्ची है और बेचारी जब आई थी बहुत ज़्यादा चंचल और बहुत ज़्यादा, शी वॉज सो मच फुल ऑफ लाइफ, सो मच एनर्जेटिक। और मैं उसकी भी कुछ ग्लिम्सेस डालूंगी, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे, आप एंड तक इस व्लॉग को देखो, आपको पता चलेगा कि किस तरह की ये बच्ची थी और अब क्या बन गई है। इतनी तंदुरुस्त और हेल्दी आई थी मेरे पास और अब सिर्फ 2 दिन से ये ऐसे यहाँ पर लेटी हुई है। लेडी ऑली, बच्चों, मेरी गुड़िया, ओए मेरा प्यारा बेटा, सोनी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बहुत बुरा हाल है। शुक्र है भगवान की दया से ये वैक्सीनेटेड थी। ये देखो इसको, बच्चे को, मेरे प्यारा बच्चा, मेरी ऑली। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बच्चे की ये हालत हो जाएगी। ये इतनी हस्ती खेलती हुई बच्ची हमारे पास आई थी। और यहाँ इसके कैनुला लगा है जहाँ पे दिन रात इसको इसके थ्रू इंजेक्शन और ड्रिप जा रही है। मतलब जान की कीमत इंसान की भी उतनी है, जानवर की भी उतनी है। और हम लोग दिन रात, रात को भी हमें नींद नहीं आ रही, परेशान है, ये सोच रहे किसी तरह इस बच्चे को बचा लें, भगवान हमारा साथ दे। आप लोग प्रे करो किसी तरह ये बच्चा बच जाए। आई स्वेयर, चाहे हमारे साथ 1 हफ्ते से भी कम रही है बट इसकी अटैचमेंट हमारे से इतनी हो गई है कि अभी भी मैं इसको जैसे हाथ लगाऊंगी ये मेरे साथ ऐसे आ जाएगी, जैसे एक मदरली फीलिंग इसको मिलता है मेरे साथ। बहुत प्यारी बच्ची है मेरी लेडी ऑली, बहुत ब्रेव बच्चा है मेरा, बहुत स्ट्रांग है और बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। चिपक गई है इसकी आंखों में ना गिद्दी। बैठ वाइप से करते, उधर भी है ठीक है। सबको बोलो, लेडी ऑली बोलो, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं सब मेरे लिए प्रे करो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। मैं अपने मम्मा पापा के साथ अभी और टाइम स्पेंड करना चाहती हूं। अभी मुझे पूरी लाइफ अपने मम्मा पापा के साथ रहना है, है ना? बहुत उदास हुई। राहुल कितनी हेल्दी आई थी, इसने क्या खेलो कैसे देख रही। मम्मा, मम्मा लव यू मेरा बेटा, मम्मा की जान। मम्मा ने शिवू भैया और जय भैया को भेज दिया ना नानी के घर पे ताकि मम्मा पापा आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके। इसको ना मैं सोचू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी ना बहुत दूँ। कई बार ना यार, चाहे एनिमल है पर
फीलिंग्स तो है, इमोशंस तो है ना, क्या पता उससे ही ठीक हो जाए, है ना। सब आपके लिए प्रे कर रहे हैं, जितने भी लोग, देखो कैमरा में देखो, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं ना, एवरीबडी इज प्रेइंग फॉर माई चाइल्ड। ओके लेडी ऑली, यू विल गेट वेल सून, रियली सून, बहुत जल्दी मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरी गुड़िया है ये, लाडो है हमारी, लाडो। हमें बहुत लोगों ने बोला है कि रॉटवाइलर के बहुत कम चांसेस होते हैं इन चीज़ों में सर्वाइव करने के, ओनली 10%। तो पावो वायरस की वजह से कभी भी बच्चे की डेथ नहीं होती, हमेशा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसकी वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन से, या फिर हार्ट के ऊपर अगर इफेक्ट आ जाए। तो गाइज, मैं इस बारे में बहुत कम जानकारी जानती हूँ, सिर्फ जितना यूट्यूब से पढ़ा है या गूगल पे पढ़ा है। अगर आप लोग में से कोई जो ब्लॉग देख रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कभी भी ऐसी स्थिति एक्सपीरियंस की है पर्सनली, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चाहते हैं पर्सनल कनेक्ट करना, मेरा इंस्टाग्राम पटाखा वाइब्स है, उस पर DM करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ मेरे से पर्सनल कनेक्ट करिए, मुझे बताइए क्या हम इसकी और केयर करें, एक्सेप्ट ड्रिप्स और मेडिसिन, जो कि आई थिंक प्रोफेशनल हेल्प हम जो ले रहे हैं डॉक्टर की, हमें कुछ आइडिया नहीं है कोई और होमली रेमेडी। डॉक्टर सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि 7 दिन सर्वाइव करेगी तो सर्वाइव कर जाएगी, बट दिन रात हम इसी चिंता में कि कैसे हम इस बच्चे को बचाएं। मैं जब इस बच्चे को लेके आई थी, मेरा इंटेंशन था कि हमारे साथ एज अ फैमिली मेम्बर रहेगी, मैं इसके अच्छे अच्छे पल भारत की जनता के साथ शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता था कि जो मैं पहला व्लॉग ही बनाऊँगी जहाँ मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगी, वो ऐसा होगा। तो गाइज़, आई नीड योर सपोर्ट, इस बच्ची को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि पूरा कंट्री इसके लिए प्रे कर रहे और ये सर्वाइव कर जाए। आप लोगों की दुआएं अगर लग गई, बच्चा जरूर सर्वाइव कर जाएगा, प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। प्लीज़ 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 डू सपोर्ट दिस व्लॉग एंड सपोर्ट लेडी ऑली, दैट शी लिव्स अ वेरी हेल्दी लाइफ। लेडी ऑली बेटा, कम ऑन, चलो जागो, इस देश के लोग आपको देखना चाहते हैं। एवरीबडी इन द कंट्री इज प्रेइंग फॉर यू माई लव, माई ब्यूटिफुल डॉल, माई लेडी ऑली, माई क्यूटू बाबा, पूरा कंट्री आपके लिए प्रे कर रहा है मेरी जान। उठो, उठ जाओ, चलो, कम ऑन मेरा बच्चा। बहुत निढाल पड़ी है ये, बहुत ज़्यादा। और गाइस, एक और बात जो मुझे पावो वायरस के बारे में, इस डिज़ीज़ के बारे में पता चली है डॉक्टर से और गूगल यूट्यूब से, वो ये है कि इस डिज़ीज़ में हमने इसको, जब से हमें डिटेक्ट हुआ है ये, हमने इसको खाना बिल्कुल भी नहीं दिया है। जब हम डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम गए थे, एंड टोटली शी इज़ ऑन ड्रिप, और अगले 5-6 दिन तक, जब तक इसका रिकवरी फेज स्टार्ट नहीं होता, ये कुछ नहीं खा पाएगी। और मतलब ये सोच के भी मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। छोटा सा बच्चा, बहुत हेल्दी बेबी थी ये 2 मंथ्स की, और सडनली इस वायरस के अटैक से शी हैज़ बिकम सो थिन, बहुत लीन हो गई, इसकी हड्डियाँ तक दिखने लग गई हैं। ऐसे नहीं लाए थे हम इस लड़की को, आप एंड तक वीडियो देखना और देखना कैसे हमने इसका स्वागत अपने घर में किया था, अपने फैमिली में किया था, और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसकी ये हालत हो जाएगी। पर हम, मैं और मेरे हस्बैंड दिन रात कोशिश कर रहे कि किसी तरह इसको बचा लें, जो 10% है उसको हम लोग मुमकिन कर दिखाएं और ये बच्चा फिर से हेल्दी हो जाए। आप लोग ज़रूर साथ दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रेयर्स छोड़िए इस बच्चे के लिए, ताकि ये स्पीडी रिकवरी कर पाए।